सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले जो छात्र छात्राएं हैं, जो बच्चे हैं, वो सभी वर्गों से आते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, जितने भी तरह के जाति समाज से आते हैं। हमारी सरकार ने यह निर्णय लिया है कि अब सभी बच्चों को छात्रवृत्ति दी जाएगी, अब जाति धर्म पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अभी सरकार ने आने वाले समय में राज्य की बिजली व्यवस्था का आकलन करते हुए उसकी समीक्षा उपरांत हमने ये निर्णय लिया है कि अपनी बिजली व्यवस्था सुधार करते हुए 100 यूनिट तक की बिजली की खपत के लिए किसी को भी अब बिल चुकता करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको मालूम होगा कि विगत वर्षों में कई लोग राज्य में भूख से मर गए। ये किसी भी राज्य के लिए एक बहुत बड़ा अभिशाप है कि लोग भूख से मरे, लोग प्यासा मरे। ये बहुत ही, मैं समझता हूं, किसी भी राज्य के लिए गंभीर विषय है। इसलिए हमने निर्णय लिया है कि इस राज्य में जिनको राशन उपलब्ध है वो हैं ही, लेकिन इसके साथ कोई भी लोग भूखा ना रहे, इसके लिए लगभग 377 दाल भात केंद्र पूरे राज्य में खोले जाएंगे। हमने राज्य के बेरोजगार नौजवानों को, जिन्होंने बीए और एमए किया है, उसको क्रमशः 5,000-7,000 देने का निर्णय लिया है, प्रतिवर्ष सहयोग राशि देने का निर्णय लिया है। ये राशि ये जो हम लोग सहयोग राशि दे रहे हैं, ये सहयोग राशि ही रोजगार नहीं है। हम बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देना हमारा लक्ष्य है। ये एक सहयोग राशि के रूप में हम लोग सरकार के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि वो अपने आने वाले समय में किसी भी एग्जाम में, किसी भी कंपटीशन में, कहीं पर भी अपना फॉर्म भरने के लिए, आने जाने के लिए उसका उपयोग कर सकें।